महुमे बागेश्वरी कावड़ यात्रा कल रात महुमे विश्राम करने के बाद आज सुबह 9:30 पर गोपाल मंदिर महू से आईडीए उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला के नेतृत्व में निकाली गई है। शहर के प्रमुख मार्ग कोतवाली चौक, मेन स्ट्रीट, मानक चौक, मोती चौक, हरी फाटक, किशनगंज होते हुए उज्जैन के लिए प्रस्थान हुए कांवड़ियों का अनेकों जगह मंच लगाकर भव्य स्वागत किया। शुक्ला द्वारा कहा गया है कि कांवड़ यात्रा महेश्वर से जल लेकर उज्जैन महाकालेश्वर जलाभिषेक कर समाप्त होगी। हमारे द्वारा यह यात्रा 21 वर्ष से लगातार निकाली जा रही है। इसमें सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालु निकलते हैं, जिनका पूर्ण रूप से सुविधा आदि का ध्यान रखा जाता है। यात्रा में भव्य एवं विशाल 4 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही है, जिन्हें महू की जनता ने खूब सराहा है। इन झांकियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर सहित लाडली बहना योजना की झांकियां आगामी विधानसभा में राजनीति का भी संदेश दे रही थी। कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चे बोलबम का उद्घोष करते चल रहे थे, जिनमें किसी प्रकार की थकान ना होकर उत्साह और उमंग देखा गया है। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। आज आप यात्रा निकाल रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कालेश्वरी कांवड़ यात्रा का ये 2100 वर्ष से बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक सावन के द्वितीय सोमवार पर होगा और भगवान से यही कामना है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि, हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, यही कामना को लेकर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं में धर्म के प्रति जागृति आए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए युवा आगे आए, यही हमारा संकल्प है।